टिकटॉक के लिए पति से लड़कर टिकटॉक पर ही जहर पीने का वीडियो बनाने वाली ये दो बच्चे की माँ हो, या टिकटॉक में वायरल होने के लिए नदी के तेज बहाव में खड़े होकर वीडियो स्टंट करने वाला ये शख्स, या खुद अपने ही दोस्तों की खोपड़ी फोड़ वीडियो बनाने वाले ये स्कूली छोकरे हो, या खतरनाक चैलेंज एक्सेप्ट करने वाले ये बच्चे। अगर टिकटॉक को एक बीमारी कहा जाए तो इस बीमारी से दुनिया के करीब 1 अरब से ज्यादा लोग पीड़ित हैं, और भारत में टिकटॉक के बीमारों की संख्या करीब 25 करोड़ है। सेलिब्रिटी जैसी पहचान की लालच देकर लड़के लड़कियों का भविष्य बर्बाद कर रहा है टिकटॉक। टिकटॉक स्टार बनने का नशा, फेम का नशा। भारतीय युवा वर्ग की इस प्यास को खूब भुनाया चीन के टिकटॉक ऐप ने। बदन पर कपड़ों की संख्या कम करके कैसे अपोजिट सेक्स को आकर्षित कर लाइक्स और शेयर हासिल करते हैं, शोहरत हासिल करती है, और फिर कैसे पैसे कमाने हैं, ये टिकटॉक ने हमारे देश की लड़कियों को खूब सिखाया है। लड़कों को फेम के चस्के में लगभग निकम्मा बना डाला है, गाली की दुकान बना डाला है। चरित्र और समय दोनों की जबरदस्त हानि की है इस ऐप। अगर आप एक भारतीय नौजवान है या नौजवानों के अभिभावक है तो यकीन मानिए, ना अच्छे वीडियो देखिए ना बुरे वीडियो देखिए इस ऐप पर, क्योंकि आपकी उपस्थिति ही इस चीनी दानव को हमारे घरों का रास्ता दिखा रही है, जहां से हमारी संस्कृति की इज्जत लूट सके। अगर आपका तर्क है कि आप साफ सुथरे वीडियो बनाते हैं और साफ सुथरे वीडियो देखते हैं, तो जरा ये देखिए कि बाकी इस प्लेटफॉर्म का किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ध्यान दीजिए कि कितनी प्रतिशत जनता भारत की टिकटॉक पर बदनीयत से वीडियो देखने आती है। आपको क्या करना है, इसका जवाब आपको खुद मिल जाएगा। टिकटॉक ने पूरे भारतीय यूथ की साइकी में वो छेद किया है जिसे भर पाना मुश्किल है। कई लोगों की खतरनाक स्टंट बनाते वक्त मौत हुई है। शहर हो या गांव हो, भारत का हर कोना इसकी जद में है, इसके प्रभाव क्षेत्र में है। इस वक्त ये हमारी हर भारतीय की जिम्मेदारी है कि इस ऐप से देश को छुटकारा दिलाए। अभी अनइंस्टॉल करें ये ऐप, नहीं तो बहुत पछताएगी देश की जनता। सुरक्षा एक्सपर्ट्स का कहना है कि टिकटॉक की पहुंच यूजर्स की लोकेशन, फोन कॉन्टैक्ट, कॉल रिकॉर्ड्स, ऑडियो तक है। ऐप भले ही इसकी सहमति यूजर से ले, मगर साइबर एक्सपर्ट्स का मानना है कि टिकटॉक का संबंध चीन से है, जो गंभीर और संवेदनशील मसला है। अमेरिकी सेना ने शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। इसके पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक टिकटॉक ऐप से साइबर अटैक का खतरा है। इसके जरिए देश की जनता और सेना की जासूसी भी हो सकती है। आपको बता दें, टिकटॉक वीडियो का असर भारत की राजनीति में भी घुस चुका है। इस साल हरियाणा विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने एक टिकटॉक स्टार को टिकट दिया था। वो काफी कम अंतर से चुनाव हारी थी। उनकी लोकप्रियता का क्रेज सिर चढ़कर बोलता है। साथ ही टिकटॉक पर भी चुनाव प्रचार हो रहा है। ऐसे में इस डेटा के आधार पर चीन की कंपनी कभी भी कुछ भी गलत प्लान कर सकती है भारत के खिलाफ। ये संवेदनशील डेटा भारत को चीन के गिरफ्त में ले सकता है। जो भी हो, इसे कैंसर कह लीजिए, बुरी लत कह लीजिए, पर हमें हमारे मोबाइल स्क्रीन से, हमारे घरों से, हमारे देश से निकालना बेहद जरूरी है इस ऐप को। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और अगर भारत के वासी हैं तो इस वीडियो को देश के हर कोने में, आपके द्वारा चलाया जा रहे हर व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, फेसबुक पेज में, हर जगह शेयर कीजिए, ताकि टिकटॉक भारत से हमेशा हमेशा के लिए बाहर हो जाए। अगर आपको हमारा दृष्टिकोण पसंद आया हो, हमारा नजरिया समझ आया हो, तो अभी के अभी बनारस लाइव को फॉलो करें, क्योंकि हम देश को सबसे पहले रखते हैं। धन्यवाद।